साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रोल लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। इस फिल्म को पहले पार्ट से बेहतर और शानदार बनाने के लिए मेकर्स ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। फिल्म पर लगातार काम जारी है। हालांकि मारा ये भी जा रहा है कि पुष्पा 2 तय किए गए समय से थोड़ा आगे खिसकाई जा सकती है। इसी बीच फिल्म को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है जो अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए काफी खास होने वाली है। एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म में अल्लू के किरदार की जबरदस्त फाइट देखने मिलने वाली है और ये फाइट पुष्पा राज की जापानी स्मगलर के साथ होगी। फिल्म में अल्लू पहली बार वो करने वाले हैं जो उन्होंने अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं किया है। साफ साफ शब्दों में बताएं तो एक्टर इस फिल्म में जापानी भाषा बोलते हुए नजर आएंगे। जापानी स्मगलर से लड़ने के दौरान अल्लू जापानी भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। एक रिपोर्ट के माने तो अल्लू अर्जुन की फिल्म की शूटिंग जुलाई महीने तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद मेकर्स ने इसे 15 अगस्त 2024 तक रिलीज करने की प्लानिंग की थी। लेकिन अब लगता है कि इस प्लान में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि पुष्पा 2 के मेकर्स सलार वाले रास्ते पर चलकर फिल्म के रिलीज के बाद इसका प्रमोशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर पुष्पा 2 अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ाती है तो फिल्म देवरा उसकी जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं पिछले काफी वक्त से पुष्पा 2 की शूटिंग टाइमलाइन अपने वक्त से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि फिल्म के स्टार कास्ट में शामिल जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पा 2 में जगदीश का किरदार अल्लू के दोस्त का है। उनके अरेस्ट होने के चलते शूटिंग पर असर पड़ा है। जगदीश पर जूनियर आर्टिस्ट को सुसाइड करने के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगा है। इतना ही नहीं, उन पर जूनियर आर्टिस्ट की निजी तस्वीरें खींचने का भी आरोप है। अब ऐसे में देखना बनता है कि पुष्पा 2 तय रिलीज डेट में ही रिलीज होती है या नहीं।